And moving on, Sabir Ali's wife has reached Mukhtar Abbas Naqvi's house to protest against him. Remember, this is after Sabir Ali and Mukhtar Abbas Naqvi, the war of words between both these leaders only escalating. And Sabir Ali's wife yesterday had in fact threatened to sit on Dharna outside Mukhtar Abbas Naqvi's house. And these visuals that you will see on your screen shortly are of Sabir Ali's wife reaching Mukhtar Abbas Naqvi's residence. Remember, he had asked the BJP leader to prove the allegations or then apologize. Right. Remember, just yesterday, Sabir Ali dared Mukhtar Abbas Naqvi to prove the allegations that he had links with the Indian Mujahideen co-founder Yasin Bhatkal or apologize. But now his wife sitting on Dharna outside Mukhtar Abbas Naqvi's residence. बेहतर होगा कि आप नकवी साहब से अभी बाकी की बातें कर लें प्लीज मैंने कल जितना कहना था मैंने कह दी हूँ है ना मैंने ये भी इन्फॉर्म की थी कि मैं आके बैठूंगी मैं आके बैठ गई हूँ आप उनसे बाकी की बातें कुछ उनसे भी तो कर लीजिए प्लीज प्लीज I request you all. Take me as a normal person. मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह लीजिए. Politics को इसमें मत involve कीजिए. Please. कब तक आप रहेंगे यहाँ पे? जब तक मुझे नहीं मिल जाता इंसाफ. या तो वो apology कर दे कि मैंने जो कहा चाहे इशारतन या तो वो apology लिख दे और या तो अगर हम गुनेगार हैं तो हमको सजा दे. यस्मिन जी धरना से पहले टोटल नीचे आईडी हमने कल दे दिया था हमने मीडिया से बुला के नहीं नहीं कल हमने जब कहा तो क्यों नहीं मुझे पुलिस आके बोली कि आप इजाजत ले लीजिए हमारा मैंने कल ही बोल दी थी कि ये काम को जल्दी खत्म कीजिए ये थोड़ी ऐसा कि आपने आज कहा और बात महीनों चल रही है ऐसा नहीं है ना आई एम स्टेइंग इन अ सोशल वर्ल्ड है ना मुझे भी लोगों को जवाब देना है मेरे पे अगर उंगली उठती है तो मुझे भी मेरे भी बच्चे हैं आई एम एन इंडियन सिटीजन प्लीज करेंगे वो आप लोगों से बातचीत कर दे यू आर द बेस्ट मीडिएटर हम लोगों के जरिए बस आप लोगों से वो बोल दें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और अगर कहा है तो मैं माफी चाहता हूँ मैं इसके बाद में जो भी कहूँगा सोच समझ के अरे ये आप ही जानते बेहतर सच्चाई क्या है मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप मेरे भाई है प्लीज हेल्प अस आउट यार प्लीज अगर वो माफी नहीं मांग सकते तो यार बैठे कुछ उनसे भी सवाल कर लीजिए मैं आपकी बहुत शुक्र गुजार रहूँगी नहीं बोल रहे तो मुझे बुलवा रहे नो पॉलिटिकल टॉक्स प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक मी एज योर सिस्टर प्लीज मुझे अपनी बहन समझिए यहाँ कोई पॉलिटिकल मुद्दा मत अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो बैठे रहूंगी अपनी जमीन है क्या हो गया प्लीज प्लीज